अभी बज चुके हैं 12:15, ट्रेन का अभी तक अता पता नहीं है। भाई फुल कर दे भाई, फिर से आप एक बार देख लो अपना ये एरिया का पेट्रोल पंप है। अपने ये प्रेम भाई है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के स्टाफ। बोलो प्रेम भाई कुछ अपने सब्सक्राइबर को, बोलो कुछ। अरे ऊपर तो देखो, हाँ बोलो। रॉकी भाई किधर है आज? रॉकी भाई दिखाई नहीं दे रहे। रॉकी भाई किचन किचन में है। चल ठीक है भाई। तो दोस्तों अभी हमारा फ्यूल डाल के हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए। उसके पहले हमें जाना है रीस। रीस में अपना रोशन रहता है, रोशन के पास से अपने को लेना है कैमरा अपना गोप्रो मैक्स, और फिर वहां से हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो आज के ब्लॉग के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। तो अभी क्या बज चुके हैं 10:30। तो दोस्तों अभी मैं रोशन के पास से कैमरा ले लिया हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ करजत के लिए। आज का ब्लॉग होने वाला है, आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता ही चल गया होगा, करजत स्टेशन पहुंचेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं करजत स्टेशन, रोशन ने जाके टिकट ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। पता नहीं भी कितने टाइम में ट्रेन है क्योंकि आज संडे है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं करजत स्टेशन पे, लेकिन अभी हम कर्नाटका नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अमरनाथ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है करजत स्टेशन आए तो हम कर्नाटका ही जाते हैं। अभी बज चुके हैं 12:15, ट्रेन का अभी तक अता पता नहीं है, और अभी तक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले भी नहीं गया कि ट्रेन कितने बजे लगने वाली है। अभी मैं पहुंच चुका हूं अमरनाथ स्टेशन। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर शिव मंदिर है, आज हम वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट ही नहीं की है मैंने। हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल जय सेवालाल, व्हाट्सअप यू ओली पीपल, आप कैसे हो, एकदम मजे में रहो। तो आज हम कहीं पहाड़ों में नहीं जा रहे, आज हम अमरनाथ के एक प्राचीन काल के शिव मंदिर है उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, अब तक आप अपना ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बढ़ते आगे। तो ये है अमरनाथ स्टेशन, अभी हम स्टेशन के बाहर है, बाहर जाएंगे ऑटो पकड़ेंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन काल की शिव मंदिर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं स्टेशन के बाहर ऑटो स्टैंड के, यहाँ पे यहाँ से ऑटो लेंगे और पहुँचेंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर के यहाँ पे आप ये जो बाहर का एरिया है, स्टेशन से मंदिर तक 20 रुपीज पर पर्सन ऑटो वाले चार्ज करते हैं, और अभी हम इंटरस एरिया से हम जा रहे हैं। ये नाला है और इसे नदी भी कहते हैं। अभी तो सूखा सूखा है, बारिश का सीजन तो नहीं है, तो इसके चलते पानी कम है, इसमें पानी ही नहीं है। और ये इंट्रेंस है मंदिर के सामने वाला, जहाँ पर जूता निकलते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री है और यहाँ पे सामने ये टेंपल है, काफ़ी पुराना है और प्राचीन टेंपल है ये। इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो।
अमरनाथ स्टेशन का नाम इसी मंदिर से नाम रखा गया है, अमरनाथ स्टेशन। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण ईस्वी सन 1060 में शिलाहट के राजा मामणी ने कराया था। यहाँ के स्थानीय इस मंदिर को पांडवीकालीन मंदिर मानते हैं। यह मंदिर प्राचीन हिंदू शिल्पकला की ज्वलन मिसाल है। यह मंदिर पांडवों ने एक ही रात में विशाल पत्थरों से बनवा डाला है। दोस्तों, यह उस जगह का हाल है जिसे यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत घोषित कर रखा है। और मंदिर काफी ब्यूटीफुल और काफी अच्छी है यार। और ये जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, पहाड़ को कोरिव करके यानी पहाड़ को कटिंग करके ये मूर्ति और ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये अपने मुंबई में है। और आप अगर ये मंदिर नहीं देखे तो क्या देखे यार, सच में बता रहा हूँ। आप आइए अमरनाथ में। अमरनाथ में स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर है ये मंदिर। तो दोस्तों, अभी के बच्चों के 3 और अभी गर्दी भी बढ़ चुकी है, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम जाएंगे अपने घर। सुबह में सिर्फ नाश्ता करके आया था, अभी लग चुके भूख, तो अभी हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। लगी है, आया हूँ मंदिर में मेले खाने के लिए। अभी हम है अमरनाथ स्टेशन के बाहर। ये है मंचूरियन रेल। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं ठाकरे वड़ा पाव खाने के लिए। करजत में आए और ठाकरे वड़ा पाव नहीं खाए तो क्यों आए बताओ? तो अभी जा रहे हैं करजत स्पेशल ठाकरे वड़ा पाव खाने। तो ये रहा ठाकरे होटल। ये सामने रोड है और यहीं पे होटल है। ये होटल करजत में बहुत ही फेमस है वड़ा पाव के लिए। तो मैंने एक ऑर्डर किया है वड़ा पाव, रोशन का आ रहा है लस्सी। दोस्तों, अभी के बज चुके हैं 6 और हमने ठाकरे वड़ा पाव से वड़ा पाव खा के अभी हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो अभी घर जाके मिलते हैं और आज का ब्लॉग एंडिंग करते हैं। चूँकि आज अभी मैं आया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और अभी रिलैक्स होके बैठा हूँ। आज बॉडी भी बहुत पेन कर रही है। हाँ, तो दोस्तों, अमरनाथ मंदिर की तुलना अबू के दिलवाड़ा, उदयपुर के उद्देश्वर, सिन्नर के गोंडेश्वर मंदिरों से की जाती है। इतना मोहक पौराणिक मंदिर मुंबई के पास है, फिर भी अगर आपने देखा नहीं फिर बताइए इसमें दुर्भाग्य किसका। हाँ, तो दोस्तों, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हो या फिर गूगल भी कर सकते हो। और मेरा रिकमेंड तो आपको रहेगा कि आप जरूर जाके अमरनाथ मंदिर, अमरेश्वर मंदिर देखे, वहां का दर्शन ले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना। जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप अपने वीडियोज देख पाओगे। और आगे के बहुत सारे प्लानिंग मैंने कर रखी है। जल्द से जल्द आपको नए नए वीडियोज अदर स्टेट के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और मैंने आपको अभी हिंट दे दिया है। और ऐसे ही मेहनत हम करते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखना। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। स्टे पॉजिटिव, हार्ड वर्क मेक यू हैप्पी।